ओम हनुमते नमः। नमस्कार मित्रों, मैं अविरल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नीति। मित्रों, विशेष श्रृंखला के अंतर्गत हम रत्नों और उपरत्नों की चर्चा कर रहे हैं। कुछ मूल्यवान आकर्षक मणियों की हमने चर्चा की, कुछ बहुमूल्य और कलात्मक पत्थरों की भी हमने चर्चा की जो कि पूजनीय है, कुछ ऐसी मणियों की हमने चर्चा की जो कि इस समय हमें प्राप्त नहीं है, अप्राप्त है। उन्हीं 84 रत्नों की सूची में शामिल एक रत्न है जिसको हम संगमरमर के नाम से जानते हैं। संगमरमर का परिचय भारत में ताजमहल के हिसाब से जाना जाता है, मतलब संगमरमर और ताजमहल एक दूसरे के पर्यायवाची जाने जाते हैं। आपको ध्यान होगा 1964 में एक फिल्म प्रदर्शित हुई लीडर, जिसमें बैजंती माला और दिलीप कुमार पे एक गाना फिल्माया गया, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल। इस फिल्म के इस गाने ने पूरे देश में खूब धूम मचाई। ताजमहल के इस गाने में जो फिल्मांकन किया गया उसमें ताजमहल के खूब दृश्य दिखाए गए, जिसे देश विदेश के लोगों ने देखा और बहुत पसंद किया। शकील बदायूनी के इस गाने को पूरे भारत में सराहा गया। संगमरमर का अर्थ है मुलायम पत्थर। यह एक कायांतरित सेल है जो कि चूना पत्थर के कायांतरण का परिणाम है। संगमरमर पत्थर सफ़ेद, काले और कई अन्य रंगों में उपलब्ध होता है। संगमरमर पत्थर का उपयोग मूर्तियाँ और मकान बनाने में किया जाता है। भारत में मुगलकालीन इतिहास में संगमरमर का प्रयोग खूब हुआ है और शाहजहां ने तो इसकी पराकाष्ठा कर दी। भारत के इतिहास में ताजमहल जैसी इमारत संगमरमर के प्रयोग से फिर कभी नहीं बन सकी। ताजमहल संगमरमर के उच्चतम प्रयोग की पराकाष्ठा है। संगमरमर 84 रत्नों की सूची में शुमार है। यह कोई धारणीय रत्न नहीं है, परंतु इसके भवन निर्माण व मूर्तिकला में बहुत व्यापक प्रयोग हुए हैं। सोवियत रूस का हिस्सा रहे तुर्कमेनिस्तान की राजधानी असगाबाद को दुनिया की मार्बल सिटी कहा जाता है। यहाँ लगभग 500 इमारतें सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई हैं और बहुत भव्य हैं। ताजमहल के समान ही बहुत भव्य इमारतें बनी हुई हैं और लगभग इनकी संख्या 500 सब सफ़ेद संगमरमर की बनी हुई हैं। भारत में प्यार का प्रतीक ताजमहल लोगों को इतना पसंद आया कि कई जगहों पर संगमरमर का ताजमहल बनाने की कोशिश की गई। भारत के औरंगाबाद में बना बीबी का मकबरा ताजमहल की नकल कहा जाता है। बांग्लादेश के फेमस फिल्म डायरेक्टर अस्तुल्ला 1986 में ताज देखने की नीयत से भारत आए और ताजमहल उनको इतना भाग गया कि यहाँ से जाने के बाद बांग्लादेश में उन्होंने ताजमहल की डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर दी। लेकिन ताजमहल ताजमहल है, वहाँ भी दर्शनीय स्थल, पर्यटक स्थल के रूप में वो स्थान प्रसिद्ध हो गया, लेकिन ताजमहल की नकल पूरे विश्व में दूसरा कोई नहीं कर पाया। यही नहीं, दुबई का ताज अरेबिया भी ताजमहल की नकल बताया जाता है। चीन ने भी ताज की एक छोटी सी कृति अपने यहाँ बना रखी है और उसको ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध कर रखा है। तो मित्रों, ताजमहल संगमरमर का एक उच्चतम प्रयोग है, श्रेष्ठतम प्रयोग है और ताजमहल और संगमरमर भारत में एक दूसरे के पर्यायवाची माने जाने लगे हैं। मित्रों, हमारे वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।